बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं इसके अंदर और यहाँ से सीन ऐसा आ रहा है गाइस, देख सकते हो ये रहा है यहाँ का इकलास का मकबरा का सीन, और अभी हम चलेंगे इसके ऊपर। हेलो गाइस, कैसे हो आप? मेरे साथ में आया हुआ है मुकुंद, और अभी हम जा रहे हैं राम जिले में दान के पास में, और उधर का कुछ दिखाएंगे आपको सीन। यहाँ का सीन को देख सकते हो गाइस ऐसा हो रहा है, और अभी मैं आ रहा हूँ यहाँ पे इंद्र चौक के पास में, और दो बंदे जो थे मेरे साथ वो आगे निकल चुके हैं आगे। तो अभी हम चलते हैं गांधी रोड में और वहाँ का सीन दिखाएंगे कुछ कैसा हो रहा है। तो गाइस और यहाँ पे लगी हुई संडे मार्केट, तो यहाँ का सीन कुछ ऐसा हो रहा है देख सकते हो। अभी हम चलेंगे मार्केट के अंदर, और ये जो आप देख सकते हो सामने ये रहा मेन गेट रामलीला मैदान का, और अभी हम जाएंगे इसके अंदर, दिखाते हैं आपको संडे बाज़ार जो बदायूं में लगती है। और मेरे रात वाले तो बंदे पता नहीं किधर निकल चुके हैं, ये देख सकते हो इसके अंदर चलेंगे हम अभी। ये कुछ मेले का सीन यहाँ पे हो चुका है, ये रही संडे बाज़ार और साथ में है मेरे मुगल। तो अभी मैंने आपको बैक कैमरे से दिखाया था कुछ यहाँ का सीन, जो दुकानें लगी हुई थी यहाँ पे सेकेंड हैंड कपड़ों की, और अभी यहाँ पे जो अभी हम घूम रहे हैं तो यहाँ पे फेस मास्क लगा हुआ है गाइस, देख सकते हो आज कुछ इस तरह की दुकानें हैं यहाँ पे लगी हुई। Cause you and I are a secret. Feel my drift against your skin. Cause honestly, let's hold our breath. This is so. सही है, रेट तो काफी सही थे, 100 रुपए ने कर क्या लोग 100 रुपए में, 150 रुपए का लोग क्या मिलता है 150-100 रुपए में वैसे भी बाजार के हिसाब से गाइस, तो रेट तो काफ़ी अच्छे हैं। और अगर किसी को लेना हो तो आ सकते हो यहाँ पे, देख सकते हो पसंद आए तो 100 रुपये। अभी गाइस हम आ चुके हैं रामलीला मैदान के अंदर जो मार्क पार्क है उसके अंदर, तो यहाँ का सीन कुछ ऐसा हो रहा है, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगा अभी जी। और यहाँ देख सकते हो गाइस मेरे पीछे खड़े हुए हैं पप्पू जी, और ये रही यहाँ की कुछ गाइस, देख सकते हो कितनी प्यारी यहाँ की लोकेशन लग रही है, और मैं यहाँ से चल के जा रहा हूँ, कुछ सीन यहाँ का ऐसा आ रहा है गाइस, ये रही पार्क गांधी ग्राउंड के अंदर की, और ये रहा मुकुंद पता नहीं कहाँ।
अभी हम चल रहे हैं बाहर और दिखाएंगे यहाँ से काला किला जो है इकलास का मकबरा, और हम अभी हम वहाँ पे जाएंगे, तो चलते हैं वहाँ पे और दिखाते हैं इकलास का मकबरा यानी कि काला किला, कुछ सीन वहाँ का कैसा है। तो अभी हम रामलीला गेट के बाहर आ चुके हैं गाइस, और अभी हम जा रहे हैं वहीं पे। तो गाइस ये रहा रामलीला ग्राउंड के बाहर का नज़ारा, साथ में आए हैं मुकुम। तो यहाँ से हमें काफ़ी टाइम लगेगा काला किला पहुँचने में गाइस, क्योंकि अभी हमें पैदल, और ये नज़ारा देख सकते हो आप कुछ यहाँ का क्या सीन आ रहा है गाइस। और ये रहा परशुराम चौक बदायूं में, यहाँ का सीन कुछ ऐसा है गाइस। और अभी हम जा रहे हैं रोडवेज बस स्टैंड के पास में, और इस साइड में रहा अपना रोडवेज बस स्टैंड। तो कुछ सीन यहाँ का ऐसा हो चुका है, और अब हम यहाँ से जाएंगे, पहले यहाँ पे थोड़ा सा घूमेंगे और उसके बाद चलेंगे अपने काले ताजमहल के पास में, तो वहाँ का सीन दिखाएंगे गाइस, कुछ अद्भुत नज़ारा है वहाँ का। और ये है रोडवेज बस स्टैंड, यहाँ पे रोडवेज खड़ी होती है, और ये आ चुकी है गाइस। आज संडे है, और संडे की वजह से आज की यहाँ की मार्केट जो सारी देख सकते हो आप बंद पड़ी है पूरी मार्केट, बिल्कुल सुनसान इलाका, कोई भी नहीं आज यहाँ पे, पूरी मार्केट बंद पड़ी हुई है। गाइस देख सकते हो यहाँ पे संडे का दिन आज ही बहुत ज़्यादा बिल्कुल ही बंद है मार्केट, कोई भी इधर नज़र नहीं आ रहा, ऐसी गलियों में घूम रहे हैं आज। लॉकडाउन लग गया यहाँ पे, ऐसा लग रहा है दोबारा से लॉकडाउन लग गया है, और इन गलियों में हम घूम रहे हैं, कर रहे हैं वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। इस रोड पे केवल हम दो ही लोग नज़र आ रहे हैं, और कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, देख सकते हो गाइस एक आध लोग जा रहे हैं बस। आज की मार्केट जो पूरी बंद पड़ी हुई है, और इन रोडों पे हम वीडियो बनाने के लिए आज आ चुके हैं। तो यहाँ का सीन बिल्कुल सुनसान इलाका, जैसा लग रहा है यहाँ पे दोबारा से लॉकडाउन लग चुका है। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ऐसे एक ब्लॉग में, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना गाइस, क्योंकि अपने गांव से हम काफ़ी दूर चल के आए हैं यहाँ पे वीडियो शूट करने के लिए। फाइनली गाइस अभी हम आ चुके हैं काले किले के पास में। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं इसके अंदर, और यहाँ से सीन ऐसा आ रहा है गाइस, देख सकते हो ये रहा है यहाँ का इकलास का मकबरा का सीन, और अभी हम चलेंगे इसके ऊपर। तो गाइस यहाँ से सीन कुछ ऐसा आ रहा है, देख सकते हो ये रहा इकलास का मकबरा, और इसको काले ताजमहल के नाम से भी जाना है, लोगों का कहना है कि ये काला ताजमहल के नाम से भी फेमस है। और अभी हम इसके ऊपर चलेंगे और दिखाएंगे ऊपर का कुछ सीन, तो अंदर से मैं दिखा दूँ आपके लिए कैसा है। तो ये कुछ ऐसा सीन है यहाँ से गाइस ये रहा, और इसका ये इस साइड में है मेन द्वार जिधर से हम आए थे अभी एंट्री की थी, और ये चारों तरफ से गाइस ऐसा ही है। और यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर का सीन कुछ नज़ारा, तो ये रहा यहाँ का सीन, और अभी हम चलेंगे इसके अंदर। तो मैंने अपनी जूती उतार दी बाहर, और ये रहा सीन गाइस यहाँ का, और ये तो गाइस इसके अंदर से हम जाएंगे ऊपर, शायद इसमें लॉक लगा हुआ है गाइस, तो देखते हैं कौन सा वाला खुला हुआ है। ये बंद कर दिया है, ये देख सकते हो आप, ये बंद कर दिया, और दूसरा वाला देखेंगे खुला है या नहीं खुला है। तो इसके गाइस ऊपर जाने का चार द्वार थे यहाँ के, वो सारे बंद कर दिए हैं, पता नहीं कुछ हो गया था इनका, तो अभी हम ऊपर नहीं जा सकते हैं। और मैंने आपको बाहर से ही दिखा दिया नीचे से यहाँ का जो सीन था, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर देना गाइस। आपको यहाँ का मैं सीन दिखाई दिखा, और जो इसका ऊपर का जो सीन था वो मैं
कोई ऊपर जाने का कुछ नज़ारा ही अलग था यहाँ का, जो बंद कर दिया। काफ़ी अच्छी हवा लगती थी ऊपर जाके। आज का सूट हमारे यहीं तक था और जल्दी मिलेंगे नए व्लॉग में। तो गाइस हम यहाँ पे आए थे ऊपर जाने के लिए और ऊपर जाने को नहीं मिला, चारों गेट बंद निकले थे और अभी हम चलते हैं वापस। अभी हम चल रहे हैं ओमेन के पास में और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या बन रहा है आज। तो वो है लापिनोज में और देखते हैं आज क्या मिलेगा खाने को, पता नहीं गाइस। तो गाइस अभी हम पैदल चलते चलते हुए कहाँ पहुँचने वाले, इंद्र चौक, और इंद्र चौक पे जाएंगे लापिनोज ओमेंद्र के पास में। देखते हैं वहाँ पे उसने बुलाया क्या देता खाने के लिए। तो गाइस हमारे साथ कई बार हो चुका है कि वीडियो हमने शूट कर लिया और वीडियो पॉज ही निकली, वीडियो शूट ही नहीं हो रही है, और इस बार तो हो रही है। चलो ठीक है, कई बार हो चुका है, जो कुछ मेन मेन थी वो निकल चुकी। अभी हम आ चुके हैं ओमेंद्र के पास में जो लापिनोज में है। तो अभी हमारा ऑर्डर जो है वो रेडी हो रहा है और देखते हैं जब आ जाएगा अपना और साथ में आया मोहन, और यहाँ का सीन कुछ ऐसा हो रहा है और साथ में आ चुके हैं ओमेंद्र। हेलो, तो अपना ऑर्डर जो है वो रेडी है, इसके आता और इसने पता नहीं क्या कर दिया है ऑर्डर, तो आ जाएगा गाइस तो हम आपको दिखाएंगे। देखते हैं कितना टाइम लग रहा है, मेरी हालत देख सकते हो गाइस कैसी हो रही है, काफ़ी टाइम से आ गए थे और अब घर पे भी जाएंगे हम, काफ़ी लेट हो जाएंगे, मुकुंद को काफ़ी दूर जाना है। देखते हैं कितना टाइम लगेगा अभी। और कैसे एक चीज़ मैं देखूँ आपको, ये रहा यहाँ का मेन्यू कार्ड, तो अभी मैं बैक कैमरे से आपको दिखा रहा हूँ मेन्यू कार्ड यहाँ का लापिनोज का, लापिनोज का मेन्यू कार्ड ये रहा यहाँ का कुछ टेबल मेन्यू कार्ड का दे सकते हो, इस तरह की है यहाँ की। ये रहा इधर वेज पिज्ज़ा एंड नॉन वेज पिज्ज़ा एंड क्लासिक पिज्ज़ा, तो इसके रेट भी गाइस काफ़ी ठीक ही है, महंगा भी नहीं है बट ठीक ही है। और टेंट ये है इसमें स्पेशल फ्लावर, वो तो गाइस तो ये रही यहाँ की मेन्यू कार्ड एंड ये रहा इसके मिनी पिज्जा वाला। तो गाइस अपना पिज्जा यहाँ पे रेडी हो चुका है, ये रहा अपना पिज्जा और अब इसको हम सर्व करने वाले हैं। और ये रहा इसका बिल, अपना जो ऑर्डर था वो रेडी हो चुका है और ये रहा ऑर्डर डोनेट वगैरह लेकर, और अब हम इसको बाद में मिलते रहे। तो गाइस ये रहा अपना पिज्जा और साथ में तीन लोग हैं हम। अभी हम आ चुके हैं लापिनोज से निकल के बाहर और अभी हम जा रहे हैं घर पे। और गाइस इस ब्लॉग को हम यहीं पे समाप्त करेंगे अब।